जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, भागवत गीता को पढ़ाना जरूरी है, बच्चों को, बड़ों को, माँ बाप की सेवा जरूरी करें, और गुरुदेव होता है उसकी सेवा जरूरी करें। हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूँ, चैनल को जो भी मेरा सनातनी भाई है, लाइक जरूरी करना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारा राम मंदिर विजिट करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आया हुआ हूँ अभी एक गाँव में, और यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोगों का जो राम मंदिर है मैं आप लोगों को विजिट करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं राम मंदिर में और आप लोगों को राम मंदिर विजिट करवाते हैं, और वहां पे जो पुजारी है उन पुजारी से भी मिलवाते हैं। तो ये हमारे गांव में, यहां पर जो गांव है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये विलेज है, इस विलेज में बहुत बड़ा राम मंदिर है। तो आप लोग एंड तक बने रहें वीडियो में। तो चलते हैं राम मंदिर की तरफ और आप लोगों को पुजारी से मिलवाते हैं, श्री रामचंद्र के भगवान के दर्शन भी कर लेंगे साथ में। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पुजारी बैठे हुए हैं, इनसे मिलते हैं पहले। और ये प्रभु श्री रामचंद्र के यहाँ पे देखे जी लगे हुए हैं फोटो। राम राम पुजारी। जय श्री राम, जय श्री राम भगत जी की जय हो, जय हो, जय हो भगत जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर की दुआ और सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जो मेरा नाम है राजवीर तिवारी, आपका? मेरा नाम जी मुनीर नाथ, मैं गुरु सुखदेव का शिष्य हूँ। और ये जो 95वां वर्ण है, तो हम इसमें, हमारा जो ये गांव है उसमें अभी ये तकरीबन 3 साल हो चुके थे। और ये जो हमारा एक प्रोग्राम बना, और गुरु सदु फकीर ने, महाराज और गुरु सुखदेव साहब ने, उन्होंने एक मशवरा दे के इधर राम मंदिर बनवाया हमने। तो ये जो राम मंदिर है हमारा, अभी इसका जो कमरा बनेगा, इसका जो आगे प्रोग्राम बनेगा, अब जो हमने हमारे अमदाद पे, हमारे प्रोग्राम पे ये जो राम मंदिर बनवाया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आए हुए थे मंदिर विजिट करने के लिए, हमने भी वीडियो में देखा तो हमारा राम मंदिर है। तो उनके पहले भी बहुत से मंदिर है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर है, और भी हमारे देवताओं के काफी मंदिर है, लेकिन राम मंदिर ये है। इसको भी बनवाया जाएगा कि बड़ी धूमधाम से इसका जो पूरा स्वागत करेंगे। और ऐसे प्रोग्राम तो हमने छोटे छोटे जो है ना, जैसे अपने गांव इधर के बंदे हैं जो हमारे दोस्त थे और मेरे भाई, और इधर के जो संत थे, भगत थे, गुरुकार थे, इधर मेले 2-3-4 हमने ऐसे मेले भी किए हैं। और जैसे एक राम मंदिर का और एक दिन होता है, उस दिन हमने इधर प्रोग्राम भी मैंने बनाया, बहुत अच्छा से अच्छा। वो इंडिया वाला जो राम मंदिर है, अयोध्या मंदिर, जी जी, उसका अभिषेक हुआ था ना, उद्घाटन किया था। अच्छा। तो उस दिन यहाँ भी मैंने वीडियो यहाँ की भी देखी थी, यहाँ पे भी काफी खुशी की थी। जी जी जी। और काफी हमारे गांव के हिंदू जो है सभी इकट्ठा हुए थे। जी जी। और दीप वगैरह भी जलाए थे। जी जी। तो बात आपकी सही है मेरे भाई। देखें, राम जो नाम है हमारा, एक सनातन धर्म का देवता। तो जब हमारा राम का नाम जिधर भी होगा, हमारा धर्म है, हमने उसकी सेवा भी करनी है, उसका प्रार्थना भी करनी है, और सुबह शाम उसकी मैं, और जिधर आके हम, आपने देखा होगा, और हनुमान मंदिर भी एक छोटा सा बना हुआ है, और ये राम मंदिर है हमारा, और उसमें भी हम सेवा करते हैं। और सब भाइयों को मैं कहूँगा, इस भाई को लाइक जरूरी करना, ये जैसे हमारे भक्ति के जो हमारे ख्याल और हमारे मंदिर, हमारे सनातन भाइयों का ये साथ देता है, और ऐसे वीडियो बनाता है, यूट्यूबर भाई है, तो इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा काम करते रहे, हमारे सनातन भाइयों की बात आगे ले आते रहे। तो मैं, जो भी मेरे भाई देखेंगे, हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूँ, ये जैसे हमारे भाई हैं, तो इस ग्रुप में और इस चैनल को जो भी मेरा सनातनी भाई है, लाइक जरूरी करना। ये राम का जैसे देखें, ये मंदिर भर रहा है, और राम का जो जो मानने वाला है, इसको लाइक जरूरी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, ये नहीं, जो भक्ति का ज्ञान आता है वो कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद होगी। तो ये जो अभी मंदिर बनवाया है, इसमें जो हमारे यहाँ पे गाँव जो हिंदू लोगों का, हमारा सनातनी धर्म के बैठे हुए हैं हमारे हिंदू भाई, जी जी, उन सबने मिलकर ये बनवाया है। नहीं, बात ये, वो भी हमारे भाई ये साथ ही देते हैं, और ज्यादा जो प्रोग्राम है, और सदु फकीर, ये भगत, ये सदु फकीर है, इसको भगत सदु फकीर, और उससे मशवरा इसका गुरु सुखदेव, और ये भी इसमें शामिल है, ये दोनों जो है हमारे गुरुदेव है, ये साक्षा गुरु है मेरा, वो गुरुदेव है, तो वो हमारा गुरुदेव है। ये मेरा बेटे का भी गुरु है, और मेरा साक्षा गुरु है, ये भी मेरा मामू भी है, और गुरु भी है। गुरु भी तो इन्होंने
और मिलकर जैसे हमने मशवरा दिया और ज़्यादा सदू फकीर ने अपने सेटिंग्स और खर्चा भी कराया और गुरुजी ने भी थोड़ा दिया और हमारे भाइयों ने दान जितना भी दिया वो लग चुका है। अभी थोड़ा जा जैसे महंगाई से और काम चल रहा है वो अभी इसमें काम जो रुकावट हुआ है और कोशिश करेंगे और हमारी सब भाइयों की दुआ होगी। आपको मैं दिखाता हूँ और जैसे ये हमें हार बनाया, हमारे देखने वाले जो भी दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, देखने वाले जो भी सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे से अच्छा मंदिर बनवा सकेंगे, राम मंदिर। और ये जो हमारा ऐसे जैसे प्रोग्राम होता है, ये चार दीवारी जैसे एक मिट्टी ये पूरा जो ये पूरी जगह है ये मंदिर की जगह है, ये जो अभी बना रहे हैं। तो भगत जी आपने ये लकड़ियों का ये दिया हुआ है, इसे इधर दीवार भी अच्छी सी बना सकते थे। बात ये मेरे भाई कि ये पहले जो दीवार भी बना सकते हैं, सब कुछ हो सकता था, जितना पैसा था दान पुण्य दिया हुआ था वो लग चुका है। हाँ। तो ये गरीबी के एक इलाज से इसको कहते हैं हम जो है ना लाना भी बुही भी कहते हैं, हमारे धर्म में बुही भी कहते हैं। तो ये जो होती है एक जैसे हवा आती है ना, हाँ। इसको ठंडक होती है, अंदर बैठता है ना बंदा, हाँ। तो ठंडक होती है, ठंडी हवा आती है। और दूसरा इसके साथ मिट्टी अंदर नहीं जाएगी, मट्टा कटा अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगी। तो ये इसकी हवा जैसे लगती है तो जैसे मेरे भाई दोस्त सनातनी भाई आते हैं तो इधर आके बैठते हैं और उसमें हमें जो साथ काम करना भी पड़ता है, सही, सही। उसका सेवा भी करनी पड़ती है, तो इसीलिए तो हमने जो और ये है, कमरा भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसका छत डलने वाला है, इसका जब जो असल जो मंदिर बनेगा इसको हम बना रहे हैं, इसको खूबसूरत करके मंदिर बनाएंगे और ये जो हॉल बन जाएंगे बैठने उठने के, मेहमान आएंगे, हमारे सनातनी भाई आएंगे, ये उसके लिए इसकी अभी छत भी नहीं डला सकते और ये दरवाजा दिया है इसकी छत भी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये अभी देखें गार्डर डाला हुआ है, इसकी छत भी अभी बाकी है। हाँ। और जैसे दान इकट्ठा करेंगे फिर से और फिर अच्छे तरह से फिर इसकी मरम्मत की जाएगी, वहाँ पे मंदिर खूबसूरत कर बनाया जाएगा। तो ये भगत जी यही बता रहे हैं। तो आगे ये तो आपको जो हाल है, ये भी कच्ची दीवार है, कच्ची दीवार है चारों ओर, तो ये कच्ची दीवार है। तो ये सब जो हमारा एक जैसे वो नलका लगा हुआ है, वो हैंड पंप भी, देखिए फिर हैंड पंप भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये हैंड पंप भी और ये जो हमें वॉशरूम भी लगा हुआ है, ये हमने बस जैसे कोई दे रहा है वो ऐसे लग चुका उस तरह से, यानी जैसे जैसे दान पुण्य आ रहा है कुछ दे रहा है इस उसी तरह से आप आगे से आगे काम करते जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये जो चार दीवारी से इधर वो चार दीवारी ये हमारा एक ये हाल बनेगा और हाल बनेगा, ये खूबसूरत से दरख्त वगैरह भी लगाए गए, फूल वगैरह भी लगाए गए। इस तरह से कुछ सर्दी है और जैसे सर्दी तुम्हारे को आपको पता होगा, ये देखो ना ये पानी में लगता है, ये जो सूख गया है अभी सर्दी में ठंड की वजह से सूख गए हैं, इसको जो जब मौसम आता है तो इसमें हरियाली बहुत आती है, बहुत आपको मजा आएगा। ये मेहरबानी करके इस भाई को लाइक जरूरी करना, सपोर्ट करना, आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करें ताकि हम लोग ये मंदिर अच्छे से खूबसूरत करके बना सकें। अभी जैसा भी है, जैसे भी हम लोगों के हालात है उस तरह से हम लोगों ने राम मंदिर बनाया है। जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जितने भी दोस्त देखेंगे तो राम को मानने वाले हैं, तो ये जैसे हमारा प्रोग्राम बना रहा है भाई तो इसको लाइक जरूरी करना, ये मेहरबानी करके, ये हमारी आपके आगे विनती होती है। ये जैसे देखे ना, मैं मुझे ये खुशी है, ये मेरे भाई जब आते हैं सनातनी भाई जो भी है वो हमारा प्रेमी भाई है, इसके लिए हमें कुछ कहना पड़ता है। जब आते हैं मुझे कहते हैं आपका भाई बहुत आपका मैंने नाम सुना है, नाम तो भगवान का है, नाम तो मेरे ईश्वर राम का है, मैं तो आपका सबका दास हूँ और भगत हूँ, आपका सेवादारी हूँ। तो भगवान को कृपा से ऐसा प्यार रखें हर भाई के, जितने मेरे सनातनी भाई मानने वाले हैं उसमें ऐसा प्यार रखें जिसमें हर भाई और सनातनी भाई को अपना, ये आप मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाइयों, भागवत गीता और वो पढ़ाना जरूरी है बच्चों को, बड़ों को उस भागवत गीता के हिसाब से आपने ये भी जरूरी जो बच्चे होते हैं इसको गायत्री मंत्र और सुबह शाम जरूरी पढ़ाना है। ये मेहरबानी करके जो मेरे भाई देखेंगे सनातनी भाई तो सबको मैं ये कहूँगा गायत्री मंत्र और सुबह शाम जरूरी पढ़ें और जो अपना धर्म है बच्चों को शिक्षा जरूरी दें। माँ बाप जो होता है वो एक अपने देवता होता है, उस माँ बाप की सेवा छोटे बच्चों बड़े वो माँ बाप की सेवा जरूरी
करें। और गुरुदेव जो होता है वो एक रास्ता दिखाने वाला, तो गुरुदेव होता है उसकी सेवा जरूरी करें, चाह और सुबह और शाम उसकी बंदगी जरूरी भरें। तो ये काम हमें सब भाइयों को मैं कहूँगा, मेहरबानी करके ये ऐसे काम सनातनी का धर्म का ये ख्याल होना चाहिए। एक तो लड़ाई करना अच्छा नहीं होता, एक किसी भाई की गिला करनी अच्छी नहीं होती। किसी भाई का जो कोई भी भाई हो, हमारे जितना भी इंसान बनाया है तो वो सब हमारे भाई हैं। हम उससे प्यार करेंगे और याद करेंगे। एक जरूरी सब भाइयों को मैं कहूंगा, ये इसको लाइक जरूरी करना, इस वीडियो को वायरल जरूरी करना। इस भाइयों को साथ मिल जाएगा तो ये हमें सबको कहना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया रामचंद्र की, जय सिया रामचंद्र की जय। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिस भाई को भी श्री रामचंद्र भगवान से प्यार है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।